बस मुझे एक जवाब चाहिए टीचर्स से, क्यों इतना इनजस्टिस हुआ मेरे साथ, और हमेशा ही हो रहा है, हर सेमेस्टर में ऐसे ही हुआ, ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे हुआ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है मेरे साथ माताश्री। मम्मी कुछ बोलो। क्या बोलो? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। और अभी हम निकल लिए हैं जाटे में, यू देखो भाई साहब, मन नहीं बे रही हॉस्टल वाली के खावे चाहे इनके मैस के खाने में के मिला के दे, मैं जो ठंड ना लगती भाई साहब, हम तो कति मर गए। मतलब यार बाहर खोल खोल के भी चल रही है छोरी, मेरी छाती ब्लॉक होने रही है। असली कॉलेज के मुझे तो ये ले रही है भाई, हमारा कुछ ना है फैशन, वो क्यों है? सब कुछ बिगड़ा पड़ा, हमारा सब कुछ खिंडा पड़ा है भाई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, सच्ची में भगवान कसम झूठ ना बोलती। हैट्स ऑफ टू देम जो बाल खोल खोल का आ जाए भगवान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। भाई साहब कल हमारा रिजल्ट आया है और हम सारे पास हो चुके हैं, बस हमारी एक फ्रेंड है जिसके बस एक माँ ही है ना री। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। हमारी एक फ्रेंड की एक मेरी आई है। वैसे अब की बार काफी अच्छा रिजल्ट है, सही है? हाँ। चल रही है ना वीडियो सिस्टम? भाई मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिजल्ट से, मैंने तो स्टेटस भी लगा दिया था क्योंकि मेरे इंटरनल में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दे रखे, और सारी चीजों को देखने के बाद भी भाई तुमने लगता नहीं मेरे कम है मार्क्स, सही बताइए? नहीं लगता बहुत है। अरे इंटरनल में यार 12 नंबर कौन दे आकर है, मेरे से ज्यादा है इसलिए नंबर भाई, 12 नंबर दे रखे हैं इतना इतना पार्टिसिपेशन के बाद भी। ये बड़ा है पागल मारा, इतना देने होते नहीं इतना जी रहेगा। वाह, मतलब हद है यार, हमारा पार्टिसिपेशन, हमारी पोजीशन लाना कोई मैटर नहीं करता। मैंने इसे इसे बालक देखे जिनकी अटेंडेंस कम थी और 18 नंबर भी लग रहे हैं मेरे गला लग रहे हैं। मैंने तेरे ना देखे, मैंने उनके देखे तो जिनकी परफॉर्मेंस तो थी है नहीं और पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल जीरो था, मतलब आ भी नहीं रहे थे क्लास में, फिर भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक जवाब चाहिए टीचर्स से, क्यों इतना इनजस्टिस हुआ मेरे साथ, और हमेशा ही हो रहा है, हर सेमेस्टर में ऐसे ही हुआ, ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे हुआ। हाँ जी, हमें आइडियाज दे रही है, एक्सरसाइज कर लो थोड़े पसीने आ जाएंगे, गर्मी लगेगी, ये लगा रख के उड़े इसमें दिक्कत हो रही है। वहाँ जो एक्सरसाइज वाली मशीन होती है ना, जिम वाली मशीन जैसे पार्क में लगाते हैं नॉर्मली, वैसे लगा रखी है। गाइस, इस कैंटीन में हम फर्स्ट ईयर में आते थे, यहाँ आके बैठते थे इधर, अरे अड़े मारे टिफिन दरे जाया करते, और हम सारे 7 जने थे, अरे हम 3 जने हैं शायद, इकट्ठे ना हो पाते यार, मेरे निके दिक्कत है। और अभी हम यहाँ पे आके खाना खाएंगे, टिफिन खोलो टिफिन, मैडम जी टिफिन खोलो टिफिन, सिर्फ मैं लेके आई हूँ और कोई नहीं लाया, अब मेरे ही खाने में से खाएंगे हम सारे, रोटी कम पड़ेगी। और ये दिखाती हूँ मैं तुम्हें, यहाँ बनता है खाना, दिख नहीं रहा अच्छे से, बंद कर दिया अंकल ने। स्टूडेंट क्यू, स्टाफ क्यू, भाई ये वाले हमें बहुत टेस्टी लगते हैं, फर्स्ट ईयर की मेमोरीज। गरमा गरम भाई, माहौल सा बना दिया, गाने चला रहे हैं बालक यार, नहीं याद आई फर्स्ट ईयर की। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इन समोसों के साथ, मतलब नो मान लो हम दूसरे दिन खा लिया करते हैं ना,
आज खा रहे हैं बहुत दिनों बाद। मटक चाली चले चीयर्स। फर्स्ट ईयर की याद ताज़ा करने गए हम इस कैंटीन में। हम समोसे खाते थे। ए ठाले लकड़ी, अभी हम लकड़ी चुग रहे हैं गाइस। हां यहां पे है यार, यहां पे देख। हां यार ये तो ठाले यार, चल ले मिशन लकड़ी उठाओ। आज हम वैसे ही याद कर रहे थे कि हम फर्स्ट ईयर में कितने घुमा करते, और फिर हमें पता चला कि हमने बहुत बहुत बार आग भी जलाई है। मतलब हॉस्टल के उधर जाके भी हम इतनी आग जला कर बैठा करते, और यहाँ कैंटीन में इतने घूमा करते। क्या हो गया यार, देखो दो तीन बालके हैं। हम सात जने थे अपने ग्रुप में। हो जावे सेकंड ईयर तो आते आते ना उनके और फ्रेंड्स बन जावे, फिर इतना मतलब उठना बैठना साथ में ना होता। और यूँ ना होता हमेशा कि कोई लड़ाई हो रही है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हो रही, बस ऊँ अभी इतना साथ साथ सर ना रह पा रहे। ये है रियल स्ट्रगल आग जलाने के लिए। लाइव जला भी दे ले, एक पेज पढ़ ले थोड़ा। वो तो मेरा तो जाटा लगन लगा, थोड़ा सा सूरज लिख रहा, थोड़ा सा और लिख ले भाई, हमने इसकी जरूरत है ना पड़े। फिर इसमें ना जला यार नो पागल, हाथ पे जला के देख के यार सलोनी में मेरी डम है। भाई दो बार इस पे ना जली थी, हाथ पे जड़ा के देख क्या पागल सी जड़े नहीं। अरे नू ना होवे कुछ ही है। गाइस हमारी मेहनत खराब हो गई। गाइस ये देखो तुम इसके काम है, अब मुंह दिखाने लायक नहीं बची ये लड़की। मतलब साथ साथ वाला लाइटर कौन जलाया करे, लाइटर तो आग जलाया करे यार। एक धूप निकल गई यार, हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। चलो उड़े चले ले आग जल रही, चलो लकड़ी आड़ ली आपके पास। ए ले का सलोनी में बैठा लो, थोड़ी सी लिया बस। भाई आड़ तो किसी ने घनी देर की जला के छोड़ रखी। वाह ये आड़े बैठेंगे, मेहनत वेस्ट नहीं गई गाइस हमारी। हम स्मार्ट वर्क करते हैं, बाकी इसका दुकान है। मैंने तो यार बेचारा मेरा लाइटर प्यारा सा। तो ये हुई हमारी मेहनत सफल आज की, अब हम मिलेंगे तुम्हें अगले व्लॉग में। अरे भाई बहुत मेहनत के बाद हुई है, नया ने इतने डंडे मारे है इस आग के। इतने डंडे तो टीचर भी नहीं मारा करते। जब आग थोड़ी कम होगी, जब ने इसके पैर डंडे मारेगी। ओ भाई जल गई फाइनली, ये फाइनली फाइनल भी होया तो सर पे ना धर के लाऊं बस। वाओ कसूता जा धुम्मा, आंख फूट गई। नाउ वी आर गोइंग टू सोनीपत, जा रहे हैं हम क्योंकि तन्नू की शादी में जो हमें गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं। अभी तक भाई हमने इतने दिन हो गए, 4-5 दिन तो हो गए होंगे मैं और सलोनी, मुझे और सलोनी को जाते हुए, पर क्या ही कर सकते हैं हम। हमारी पसंद इतनी अतरंगी है ना, हम जो भी चीज़ देखेंगे ना वो हमारी रेंज से बाहर पाओगी, और जो हमारी रेंज में है उन हम देखते हैं कौन ही। यो हो रहा हमारे के लिए इतने दिन तक, तो अभी आज देखते हैं। आज यार करड़ा सा जी करके दबा दिए कुछ, ठीक है। बहुत दिन हो गए घूमते, परेशान हो लिए, और धूप निकल चुकी है। अभी यहाँ के थोड़ा रिलैक्सिंग फील हुआ है, मेरा हवा नू चल रही है शायद, है ना, क्योंकि हम उस साइड थे जब मारे कती मुंह पे लग गई थी, इब ना लाग रही।
चलो फाइनली आज धूप देखी है मैंने कानपुर में। सही बताऊं तो हम जब से कॉलेज आ रहे हैं ना आज धूप निकली है यहाँ पे इतनी अच्छी वाली, ना तो ठंड लगे जाया करती। अभी चलते हैं सोनीपत, पर हम दिखा नहीं सकते वो गिफ्ट वगैरह इसमें, क्योंकि वो देख ही लेगी फिर वो गिफ्ट क्या रहा, सीधा शादी में रिवील करेंगे। एक्साइटेड होगी तो कौन सा गाँव आ गया ले ले। थैंक यू भैया ले ले। वाओ गरम गरम